तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है तो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये जो सभी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से, से चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले है इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने

लैंग्वेज में रिलीज किया जहाँ पे डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी थोनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनी कपोर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेहवी प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जैंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो सौ करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई एडिटिंग विजय बेलुकुट्टी ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो दोनों गिब्रान ने कंपोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया हुआ है मंजू वॉरियर आपको कनमानी के रोल में देखने को मिलेगी समुदी रखानी ने डयालान का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कमिश्नर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वहीं पे जोन कोकेर ने क्रिस का रोल प्ले किया हुआ है अजय कुमार को एसीपी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ है जी सुंदर ने इस फिल्म में मुथाला का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन ने कविन का रोल प्ले किया हुआ था महानंदी ने शंकर का रोल प्ले किया एंटनी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ था ने इस इस फिल्म फिल्म में में इंस्पेक्टर राजेश का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ प्ले किया हुआ हुआ था बाला सरवनन को आ, का दिया था मोहना ने बाला वर्गीला बोस अजित राजन एल अलग कुमार नटराजन माधन वालवन जीपी मुथु जैसे एक्टर देखने को मिलेंगे चिराग जानी ने फिल्म में वर्षा का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने सुनील दत्ता का रोल प्ले किया हुआ था आमिर ने इस फिल्म में जीजो का रोल प्ले किया हुआ था पवनी रेड्डी को अचारा का रोल दिया गया था सी बी भुवन चंद्रन को रवि का रोल दिया गया था मम्मी ने इस फिल्म में चैनल हेड का रोल प्ले किया हुआ है नलिकांत ने इस फिल्म में कस्टमर का रोल प्ले किया हुआ था डांसर रमेश को इस फिल्म में डांसर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के 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 ऊपर बातचीत करें तो वाली मई बाद फिल्म जी के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था ए के सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहाँ पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के साथ वही टेक्निकल टीम जो एच विनोद के साथ पहले ही काम करती आ रहे तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असुरन के बाद मंजू वरियर को इस फिल्म को मिला मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च दो हजार बाईस में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में ये चीजें डिले हुई और ग्यारह अप्रैल दो हजार बाईस को हैदराबाद से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अजित कुमार के सिवाय कुछ ऐसे सिक्वेंस थे उसको शूट किया गया था उसके बाद में वह 22 अप्रैल को सेट ज्वाइन किया हुआ था जित कुमार ने और उनकी शूटिंग करीबन वहाँ पे 36 दिन तक चली थी उसके बाद में अलग-अलग लोकेशंस में जैसे कि बंगलूर चेन्नई बैंकॉक ऐसे अलग-अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल एडिट को सेंसर करवाया गया था इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो गिबरान ने बैकग्राउंड सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहां पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वैसाख और गिबरान थे काशिथ खान का डबू लादा करके जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे वैसाख मंजूर गिबरान ने गाया हुआ था गैंगस्ट्रा करके जो गाना था उसको वे और साबिर ने लिखा हुआ था

बैंक है विशाखापट्टनम में या तो फिर चेन्नई ऐसे सभी ड़, 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 में अलग-अलग नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे आ, मनी के लूटने की बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहाँ पे डार्क डेविलियन के अजीत कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को तो वो स्टेज बनाने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजित कुमार किस गैंग से उसका बैंक रोक करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की जो मेन थीम थी बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर स्टॉक मार्केट के फ्रॉड के ऊपर वो काफी बढ़िया थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी मोमेंट के ऊपर लाइट की हुई थी साथ ही कुमार को जिस फिल्म में दिखाया हुआ काफी बढ़िया था था काफ़ी बढ़िया उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समुथी रकानी मंजू वोरिया जैसे दूसरे सपोर्टिंग रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते जिन्होंने जिन्होंने भी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजीत कुमार जो अपने किरदार में काफ़ी शाइन करते थे नज़र आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन प्रेजेंस उनका मेनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एविल लाफ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीज़ें कुछ थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजीएम जो गिब्रान ने दिया हुआ था वो डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नजर नहीं आता सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी एक डिसेंट में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया हुआ बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकती है जहाँ पे हाफ बेक फिल्म के सकते है इसको क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफी इंप्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नजर आती है ओवरऑल अजीत का स्वेक उनकी परफॉर्मेंस और उनके अगर आप फेम हो तो इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो थोने वो फिल्म की रिलीज के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं तो थोने वो फिल्म को काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 11 जनवरी 2023 को जहां पे 200 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड और पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिस वजह से इस फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए थे जिसमें छह की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को उस रेटिंग के सामने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन कलेक्शन मिला था क्योंकि ये फिल्म वारिस फिल्म के साथ क्लेश कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिस के साथ साथ ये फिल्म वीरा वीरा रेड्डी और वोल्टर फिल्म के साथ क्लेश कर रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से इस मैनेज किया हुआ बढ़िया अस्सी से नब्बे ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स अच्छे खासी प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका

फिल्म आपको फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तमिल वाला तो वो कलाइंगन टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी वर्जन जी जी सिनेमा जी सिनेमा, सिनेमा चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ये फिल्म ओटीटी के ऊपर ऑफिशियली इंजॉय करना चाहते हो तो वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्स वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल वर्जन सैटेलाइट वर्जन वो आप कालिंगर टीवी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा चैनल देख सकते हो जो दो हजार तीस की तमिल लैंग्वेज एक्शन हाइस्ट फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है एच विनोद ने इस फिल्म को थिएटर में पहले करीबन पे इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में प्लान ड्रॉप किया और उसको तमिल और तेलुगु दो लैंग्वेज में रिलीज किया जहां पे तेलुगु डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी धुनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनी कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेहव्यू प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जैंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई है एडिटिंग विजय बेलू ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो दोनों गिब्रान ने कंपोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया हुआ है मंजू वॉरियर आपको कनमनी के रोल में देखने को मिलेगी समूथी रकानी ने डयालान का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कमिश्नर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वहीं पे जोन को ने क्रिस का रोल प्ले किया हुआ है अजय कुमार को एसीपी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ है जी सुंदर ने इस फिल्म में मुथाला गन का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन ने कविन का रोल प्ले किया हुआ था महानंदी ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ

फिल्म में वर्षा का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह ने सुनील दत्ता का रोल प्ले किया हुआ था आमिर ने इस फिल्म में का रोल प्ले किया हुआ था पवनी रेड्डी को अचारा का रोल दिया गया था सीबी भुवन चंद्रन को रवि का रोल दिया गया था ममाथी चारी ने इस फिल्म में चैनल हेड का रोल प्ले किया हुआ है नलिकांत ने इस फिल्म में कस्टमर का रोल प्ले किया हुआ था डांसर रमेश को इस फिल्म में डांसर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो वाली मई के बाद साहठवी फिल्म एच विनोद के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था एके 61 सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहाँ पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था आरामी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के साथ वही टेक्निकल टीम जो एच विनोद के साथ पहले ही काम करती आ रहे तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असूरन के बाद मंजू वरियर को इस फिल्म को मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असूरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च दो में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में चीजें डिले हुई और ग्यारह अप्रैल दो को हैदराबाद से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे अजित कुमार के कुछ ऐसे थे उसको किया गया था। उसके बाद में अलग अलग लोकेशंस में जैसे कि वंगलोर चेन्नई बैंकॉक ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल एडिट को सेंसर करवाया गया था इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करते तो गिब्रान ने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहां पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वैसाख और गिब्रान थे काशिद का डबू लादा करके जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे पर वैसाख मंजूर गिबरान ने गाया हुआ था गैंगस्टा करके जो गाना था उसको वे और साबिर ने लिखा हुआ था और साबिर ने गिबरान ने मिलकर गाया हुआ था तो ये तीन गाने थे जिसकी लेंथ दस मिनट ग्यारह सेकंड थी तमिल लैंग्वेज में कम्पोज किया गया था ओरिजिनली तो ये गाने फिलहाल में जी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्जन में वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी वैसे तो काफी सिंपल रखी गई थी एक कुछ ऐसी डील होती है गुंडों के बीच में जो एक बैंक है विशाखापट्टनम में या तो फिर चेन्नई ऐसे सभी डबडब वर्जन में अलग-अलग नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे मनी के लूटने की बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहाँ पे डार्क डेविलियन के अजीत कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे-धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को वो हॉस्टेज बनाने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजीत कुमार किस गैंग से उसका बैंक रोक करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई फिल्म की जो मेन थीम थी बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी के की हुई थी। उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समुथी रकानी मंजू वर्या जैसे दूसरे सब आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने बको भी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजीत कुमार जो अपने किरदार में काफी शाइन करते नजर आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन प्रेजेंस उनका मिनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एविल लाफ है वो आपको जरूर पसंद आएगा हां फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीजें कुछ थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजीएम जो एम ने दिया हुआ था वो डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नजर नहीं आता सिनेमाटोग्राफी फिल्म की काफ़ी एक डिसेंट वेवे में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया हुआ वो बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकती है जहाँ पे हाफ पेक फिल्म सकते है इसको क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफी इम्प्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नजर आती है ओवरऑल अजीत का स्वेक उनकी परफॉर्मेंस और उनकी अगर आप खेल हो तो इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो वो फिल्म की रिलीज के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं तो थोने वो फिल्म को काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 11 जनवरी 2023 को जहां पे 200 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड और पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिस वजह से इस फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए थे जिसमें छह की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को उस रेटिंग के सामने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन कलेक्शन मिला था क्योंकि ये फिल्म वारिसु फिल्म के साथ क्लेश कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिसु के साथ साथ ये फिल्म अः वीरा और वोल्टर विलियर फिल्म के साथ क्लेस कर रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ था इस फिल्म के जो राइट्स जो प्री रिलीज बिजनेस वो फिल्म ने काफी बढ़िया किया हुआ था करीबन अस्सी से नब्बे करोड़ में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेचा गया था तमिलनाडु के लिए रेड जेंट मूवीज ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स के अच्छे खासी प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका

आपको फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कनाडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ये फिल्म ओटीटी के ऊपर ऑफिशियली चाहते हो तो वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल

जहाँ पे तेलुगु डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी थनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनी कपोर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेहव्यू प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जेंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो सौ करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई है, एडिटिंग विजय वेलुकुट्टी ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो दोनों गिब्रान ने कंपोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया हुआ है मंजू वॉरियर आपको कनमनी के रोल में देखने को मिलेगी समुकानी ने दयालान का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कमिश्नर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वहीं पे जोन कोकेर ने क्रिस का रोल प्ले किया हुआ है अजय कुमार को एसीपी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ जी एम सुंदर ने इस फिल्म में मुथा लगन का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन ने कविन का रोल प्ले किया हुआ था महानंदी ने शंकर का रोल प्ले किया

फिल्म में वर्षा का रोल प्ले किया हुआ है सिंह ने सुनील दत्ता का रोल प्ले किया हुआ था आमिर ने इस फिले का रोल प्ले किया हुआ था पवनी रेड्डी को अचारा का रोल दिया गया था, था सी बी भुवन चंद्रन को रवि का रोल दिया गया था मोमति चारी ने इस फिल्म में चैनल हेड का रोल प्ले किया हुआ है नलिकांत ने इस फिल्म में कस्टमर का रोल प्ले किया हुआ था डांसर रमेश को इस फिल्म में डांसर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो वाली मई के बाद साहठवी फिल्म विनोद के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था ए के सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहाँ पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के साथ वही टेक्निकल टीम जो एच विनोदी के साथ पहले ही काम करती आ रहे थे तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असुरन के बाद मंजू वरियर को इस फिल्म को मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में चीजें डिले हुई और 11 अप्रैल 2022 को हैदराबाद से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अजित कुमार के सिवाय कुछ ऐसे सिक्वेंस थे उसको शूट किया गया था उसके बाद में वो बाईस अप्रैल को सेट ज्वाइन किया हुआ था अजित कुमार ने और उनकी शूटिंग करीबन वहां पर छत्तीस दिन तक चली थी उसके बाद में अलग अलग लोकेशंस में जैसे कि वंगलोर चेन्नई बैंकॉक ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल एडिट को सेंसर करवाया गया था इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो गिबरान ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहां पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र और वैसाख और गिब्रान थे काशिथान का डबू लादा करके जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे वैसाख मंजूर और गिबरान ने गाया हुआ था गैंगस्टा करके जो गाना था उसको विकिर ने लिखा हुआ था

बैंक है विशाखापटनम में या तो फिर चेन्नई तो मनी के लूटने की बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहां पे डार्क डेविलियन के अजीत कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को वो स्टेजिस बनाने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजित कुमार किस गैंग से उसका बैंक रोक करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की जो मेन थीम थी बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर स्टॉक मार्केट के फ्रॉड के ऊपर वो काफी बढ़िया थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी मोमेंट के ऊपर लाइट की हुई थी साथ ही कुमार को जिस फिल्म में दिखाया हुआ था काफी बढ़िया था उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समुथी रकानी मंजू और जैसे दूसरे सपोर्टिंग सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने भी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजीत कुमार जो अपने किरदार में काफी शाइन करते नजर आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन प्रेजेंस उनका मेनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एविल लाफ है वो आपको जरूर पसंद आएगा हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीजें कुछ थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजेम जोग इब्राम ने दिया हुआ था वो डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नजर नहीं आता है सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी एक डिसेंट वेवे में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकती है जहाँ पे हाफ पेक हाइस्ट थ्रिलर फिल्म कह सकते हैं उसको क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफी इंप्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नजर आती है ओवरऑल अजीत का परफॉर्मेंस और उनके अगर आप फैन हो तो इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो वो फिल्म की रिलीज के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते तो वो फिल्म को काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 11 जनवरी 2023 को जहां पे 200 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिस वजह से इस फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए थे जिसमें छह की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को उस के सामने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन कलेक्शन मिला था क्योंकि ये फिल्म वारिस फिल्म के साथ क्लेस कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिस के साथ साथ ये फिल्म अः वीरा और वोल्टर विरिया फिल्म के साथ क्लेश कर रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ था इस फिल्म के जो थे रिलीज बिजनेस वो फिल्म ने काफी बढ़िया किया हुआ था फिल्म के राइट्स को करीबन अस्सी से नब्बे करोड़ में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेचा पे गया था तमिलनाडु के लिए रेड जैन मूवीज ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स के अच्छे खासी प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका

तो ये फिल्म आपको फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तमिल वाला तो वो कलाइंग टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी डब वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आप ये फिल्म ओटी के ऊपर ऑफिशियल इंजॉय करना चाहते हो तो वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब सब

जहाँ पे तेलुगु डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी सुनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनी बोनिकोपर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेहू प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जैंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई है, एडिटिंग विजय बेलुकुट्टी ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो दोनों गिब्रान ने कंपोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया ने क्रिस का रोल प्ले किया हुआ है अजय कुमार को ए सी पी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ है जी एम सुंदर ने इस फिल्म में मुथालगन का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन

प्रोडक्शन के 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 ऊपर बातचीत करें तो वाली के बाद भी फिल्म विनोद नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था ए के सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहाँ पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के वही टेक्निकल टीम विनोद के साथ पहले ही काम करते आ रहे थे तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असुरन के बाद मंजू वरियर को इस फिल्म को मिला मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में ये चीज़ें डिले हुई और 11 अप्रैल 2022 को हैदराबाद से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पर अजित कुमार के सिवाय कुछ ऐसे सीक्वेंस थे उसको शूट किया गया था उसके बाद में वो 22 अप्रैल को सेट ज्वाइन किया हुआ था अजित कुमार ने और उनकी शूटिंग करीबन वहाँ पे छत्तीस दिन तक चली थी उसके बाद में अलग अलग लोकेशन में जैसे कि वंगलोर चेन्नई बैंकॉक ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल एडिट को सेंसर करवाया गया था इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो गिबरान ने बैकग्राउंड कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहां पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वैसाख और गिब्रान थे काशिथान का जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे वैसाख मंजूर गिब्रान ने गाया हुआ था गैंगस्टा करके जो गाना था उसको वे कंवर साबिर ने लिखा हुआ था

बैंक है विशाखापट्टनम में या तो फिर चेन्नई ऐसे सभी डब डब में अलग अलग नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे मनी के लूटने की बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहाँ पे डार्क डेविलियन के अजीत कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को तो वो स्टेज बनाने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजीत कुमार किस गैंग से उसका बैंक रोक करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी की हुई है फिल्म की जो मेन थीम थी बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर स्टॉक मार्केट के के फ्रॉड ऊपर वो काफी बढ़िया थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी के ऊपर लाइट की हुई थी साथ ही को जिस फिल्म में दिखाया हुआ था काफी बढ़िया था काफ़ी बढ़िया उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समुती इरा मंजू गोरिया जैसे दूसरे सपोर्टे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखो भी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजित कुमार जो अपने किरदार में काफी शाइन करते नजर आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन प्रेजेंस उनका मेनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एविल लाफ है वो आपको जरूर पसंद आएगा हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीजें कुछ थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजीएम जो गिब्रान ने दिया हुआ था वो डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नजर नहीं आता सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी एक डिसेंट वेवे में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया वो बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकती है जहाँ पे हाफ पे हाई फिल्म कह सकते हैं इसको क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफी इंप्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नजर आती है ओवरऑल अजीत कास्वेक उनकी परफॉर्मेंस और उनके अगर आप खेल हो तो इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो फिल्म की रिलीज के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते हैं तो फिल्म को काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 11 जनवरी 2023 को जहां पे 200 करोड़ के बजट के साथ मिले हुए थे जिसमें छह की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को उस रेटिंग के सामने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन कलेक्शन मिला था क्योंकि ये फिल्म वारिश फिल्म के साथ क्लेस कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिसों के साथ साथ ये फिल्म अः वीरा और वोल्टर वीरिया फिल्म के साथ क्लेस कर रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ था इस फिल्म के जो राइट्स जो प्री रिलीज बिजनेस वो फिल्म ने काफी बढ़िया किया हुआ था फिल्म के राइट्स को करीबन 80 से 90 करोड़ में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेचा गया था तमिलनाडु के लिए रेड जैक मूवीज ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स अच्छे खासी प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका उसके चलते इस फिल्म ने नब्बे के किया। दाइसो दाइसो करोड़ के सामने काफी बढ़िया कलेक्शन किया नेटफ्लिक्स के पास है तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन के लिए वहीं पे कालिंगरन टीवी के पास इस फिल्म के तमिल सेटेलाइट राइट्स है और सी सिनेमा के पास इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के सैटेलाइट राइट्स है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर विध इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तमिल वाला तो वो टीवी के के ऊपर ऊपर देखने देखने को को मिलेगा वहीं पे हिंदी डब जी जी सिनेमा जी सिनेमा, जी सिनेमा जी चैनल आपको देखने को मिल जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ये फिल्म ओटी के ऊपर ऑफिशियल इंजॉय करना चाहते हो तो वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल

जहाँ पे तेलुगु डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी थुनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनिकोपर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेहव्यू प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जैंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई एडिटिंग विजय वेलू ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग्स है वो दोनों गिब्रान ने कम्पोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया हुआ है मंजू वॉरियर आपको कनमनी के रोल में देखने को मिलेगी समोधी रकानी ने डयालान का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कमिश्नर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वहीं पे जोन पोखेर ने क्रिस का रोल प्ले किया हुआ है अजय कुमार को एसीपी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ है जी एम सुन्दर ने इस फिल्म में मुथा का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन ने कविन का रोल प्ले किया हुआ था महानंदी ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ एंटनी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ था भगवती ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर राजेश का रोल प्ले किया हुआ था मोहना ने इस फिल्म में का रोल प्ले किया हुआ तिवारी दिलीपान बिरला बोस अजितर के राजन एल अलगपन कुमार नटराजन माधन वालवन जीपी मुथू जैसे एक्टर देखने को मिलेंगे चिराग जानी ने इस फिल्म में वर्षा का रोल प्ले किया था पवनी रेड्डी को अचारा का रवि का रोल दिया गया था ममाति चारी ने इस फिल्म में, में चैनल हेड का रोल प्ले किया हुआ कांत ने इस फिल्म में कस्टमर का रोल प्ले किया था डांसर रमेश को इस फिल्म में डांसर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो वाली मई के बाद साहठवी फिल्म विनोद के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था ए के सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहाँ पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के वही टेक्निकल टीम जो एच विनोद सिंह के साथ पहले ही काम करते आ रहे थे तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असुरन के बाद मंजू वरियर को इस फिल्म को मिला मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में ये चीजें डिले हुई और 11 अप्रैल 2022 को हैदराबाद से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अजित कुमार के सिवाय कुछ ऐसे सिक्वेंस से उसको शूट किया गया था उसके बाद में वो 22 अप्रैल को सेट किया था कुमार ने और उनकी शूटिंग करीबन वहां पे 36 दिन तक चली थी उसके बाद में अलग अलग, अलग लोकेशंस में जैसे कि बंगालुर चेन्नई बैंकॉक ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल एडिट को सेंसर करवाया गया था इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करबरान तो ने बैकग्राउंड कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहां पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वैसाख और गिबरान थे काशिथान का डबू लादा करके जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे वैसाख मंजूर और गिबरान ने गाया हुआ था गैंगस्टा करके जो गाना था उसको वे कवर साबिर ने लिखा हुआ था

बैंक है विशाखापट्टनम में या तो फिर चेन्नई तो मनी बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहां पे डार्क डेविलियन के अजीत कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को वो पर बनाने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजीत कुमार किस गेंग से उसका बैंक रोक करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई फिल्म की जो मेन थीम थी फ्रॉड के ऊपर ने काफी बढ़िया तरीके से उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समुती रकानी मंजू वर्या जैसे दूसरे सपोर्ट औरwidetildes भी देखने को मिलते जिन्होंने बको भी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजीत कुमार जो अपने किरदार में काफी साइन करते नजर आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन से प्रेजेंस उनका मेनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एविल लाफ है वो आपको जरूर पसंद आएगा हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीजें कुछ थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजीएम जी एम जो गिब्रान ने दिया हुआ था और डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नज़र नहीं आता सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी एक डिसेंट वेमे में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया वो बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकती है जहाँ पे हाफ बेक हाई फिल्म कह सकते हैं उसको क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफी इंप्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नजर आती है ओवरऑल अजीत कास्वेख उनकी परफॉर्मेंस और उनके अगर आप खेल हो तो इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो फिल्म की रिलीज के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते तो बड़ी रिलीज दिलवाई 11 जनवरी 2023 को जहां पे 200 करोड़ के बजट के किया गया तेईस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें छह की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को उस रेटिंग के सामने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन कलेक्शन मिला था क्योंकि ये फिल्म वरिश फिल्म के साथ कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिसों के साथ साथ ये फिल्म अः वीरा और वोल्टर वीरिया फिल्म के साथ क्लेश कर रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ था इस फिल्म के जो राइट्स रिलीज बिजनेस वो फिल्म ने काफी बढ़िया किया हुआ था फिल्म के राइट्स को करीबन अस्सी से नब्बे करोड़ में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेचा पे गया था तमिलनाडु के लिए मूवीज ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स के अच्छे खासी प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका

तो ये फिल्म आपको फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तमिल वाला तो वो कलांगर टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी डॉ वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ये फिल्म ओटी के ऊपर ऑफिशियल इंजॉय करना चाहते हो तो वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब

जहाँ पे तेलुगु डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी धुनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनी बोनिकोपर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जैंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो सौ करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई है एडिटिंग विजय वेलू ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग से वो दोनों गिब्रान ने कंपोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया हुआ है मंजू वॉरियर आपको कनमनी के रोल में देखने को मिलेगी समोधी रकानी ने डयालान का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कमिश्नर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वहीं पे जोन क्रिस का रोल प्ले किया हुआ है अजय कुमार को एसीपी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ है जी एम सुंदर ने इस फिल्म में मुथा का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन ने कविन का रोल प्ले किया हुआ था महानंदी ने शंकर का रोल प्ले किया एंटनी ने पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया हुआ था ने ने इस इस फिल्म फिल्म में में इंस्पेक्टर राजेश का का रोल रोल प्ले प्ले किया किया हुआ था, इस का किया हुआ था बाला सरवनन को, आ, का दिया गया था मोहना बाला वर्गी दिलीपान बिरला बोस के राजन एल अलगपन कुमार नटराजन माधन वालवन जीपी मुथु जैसे एक्टर देखने को मिलेंगे चिराग जानी ने फिल्म में वर्षा का रोल प्ले किया हुआ हुआ है सिंह ने सुनील दत्ता का रोल प्ले किया था आमिर ने इस फिल्म में जीजो का रोल प्ले किया हुआ था पवनी रेड्डी को अचारा का रोल दिया गया था भुवन चंद्रन को रवि का रोल दिया गया था ममाति चारी ने इस फिल्म में चैनल हेड का रोल प्ले किया हुआ है नलिकांत ने इस फिल्म में कस्टमर का रोल प्ले किया हुआ था डांसर रमेश को इस फिल्म में डांसर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो वाली मई के बाद भी फिल्म विनोद के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था ए के सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का, का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहाँ पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के साथ वही टेक्निकल टीम जो एच विनोद सिंह के साथ पहले ही काम करते आ रहे थे तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असुरन के बाद मंजू होरियर को इस फिल्म को मिला मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में ये चीजें डिले हुई और 11 अप्रैल 2022 को हैदराबाद से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अजित कुमार के सिवाय कुछ ऐसे सिक्वेंस थे उसको शूट किया गया था उसके बाद में वो 22 बाईस अप्रैल को सेठ ज्वाइन किया हुआ था अजित कुमार ने और उनकी शूटिंग करीबन वहाँ पे छत्तीस दिन तक चली थी उसके बाद में अलग अलग लोकेशंस में जैसे कि बंगालुर चेन्नई बैंकॉक ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल एडिट को सेंसर करवाया गया था इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत तो गिब्रान ने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहां पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वैसाख और गिब्रान थे कासिथ खान का डब उदा करके जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे वैसाख मंजूर गिब्रान ने गाया हुआ था गैंगस्टा करके जो गाना था उसको वे कवर साबिर ने लिखा हुआ था

बैंक है विशाखापट्टनम में या तो फिर चेन्नई अलग -अलग तो मनी के की लूटने बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहां पे डार्क डेविलियन के अजित कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को वो स्टेज पर आने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजित कुमार किस गेंग से उसका बैंक रॉब करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की जो मेन थीम थी बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर स्टॉक मार्केट के के फ्रॉड ऊपर वो काफी बढ़िया थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी मोमेंट के ऊपर लाइट की हुई थी साथ ही को जिस तो फिल्म में दिखाया हुआ था काफी बढ़िया था काफ़ी बढ़िया उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब रहे थे उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समोती रकानी मंजू वरिया जैसे दूसरे सपोर्टिंग सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने बको भी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजित कुमार जो अपने किरदार में काफी शाइन करते नजर आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन से प्रेजेंस उनका मेनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एवी लाफ है वो आपको जरूर पसंद आएगा हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीजें कुछ थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजीएम जो गिब्रान ने दिया हुआ था वो डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नजर नहीं आता सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी एक डिसेंट वेमे में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया वो बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकते है जहाँ पे हाफ बेक फिल्म सकते इसको क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफी इंप्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नजर आती है ओवरऑल अजीत उनकी परफॉर्मेंस और उनके अगर आप खेल हो तो इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो फिल्म की रिलीज के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते तो बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 11 को, जहां पे 200 करोड़ के बजट के किया गया था जहां पे तरफ से, और मिला था, जिस से इस फिल्म को आई पे करीबन तेईस वोट मिले हुए थे जिसमें छह की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को उस रेटिंग के सामने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन कलेक्शन मिला था क्योंकि ये फिल्म फिल्म के साथ क्लेस कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिसों के साथ साथ ये फिल्म अः वीरा से और वोल्टर वोल्टरवि फिल्म के साथ क्लेस कर रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ था इस फिल्म के जो राइट्स जो प्री रिलीज बिजनेस वो फिल्म ने काफी बढ़िया किया हुआ था फिल्म के राइट्स को 80 से 90 करोड़ में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेचा गया था तमिलनाडु के लिए मूवीज ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स अच्छे खासी प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका

तो ये फिल्म आपको फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तमिल वाला तो वो कलांगर टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन जी सिनेमा जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ये फिल्म ओटी के ऊपर ऑफिशियल इंजॉय करना चाहते हो तो वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब

जहाँ पे तेलुगु डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी थुनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनी कपर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेहव्यू प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जैंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो सौ करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई है एडिटिंग विजय वेलू ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो दोनों गिब्रान ने कंपोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया हुआ है मंजू वॉरियर आपको कनमनी के रोल में देखने को मिलेगी समोती रकानी ने डयालान का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कमिश्नर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वहीं पे जॉन कोके रोल प्ले किया हुआ है अजय कुमार को एसीपी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ है जी एम सुंदर ने इस फिल्म में मुथाला गन का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन ने कविन का रोल प्ले किया हुआ था महानंदी ने शंकर का रोल प्ले किया हुआ था

फिल्म में वर्षा का रोल प्ले किया हुआ हुआ है सिंह ने सुनील दत्ता का रोल प्ले किया था आमिर ने इस फिल्म में जीजो का रोल प्ले किया हुआ था पवनी रेड्डी को अचारा का रोल दिया गया था सी बी भुवन चंद्रन को रवि का रोल दिया गया था ममा तिचारी ने इस फिल्म में चैनल हेड का रोल प्ले किया हुआ है नल्ली कांत ने इस फिल्म में कस्टमर का रोल प्ले किया हुआ था डांसर रमेश को इस फिल्म में डांसर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो वाली मई के बाद साहठवी फिल्म विनोद के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था ए के सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहां पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के वही टेक्निकल टीम जो एच विनोद सिंह के साथ पहले ही काम कर तैयार है तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में में की गई थी असूरन के बाद मंजू वरियर को को इस फिल्म को मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च दो में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में चीजें डिले हुई और ग्यारह अप्रैल दो

इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत तो गिब्रान ने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहां पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वैसाख और गिब्रान थे काशिथ खान का डबू लादा करके जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे वैसाख मंजूर गिब्रान ने गाया हुआ था गैंगस्टा करके जो गाना था उसको वे कंवर साबिर ने लिखा हुआ था

बैंक है विशाखापट्टनम में या तो फिर चेन्नई तो मनी के लूटने की बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहाँ पे डार्क डेविलियन के अजीत कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को वो स्टेजी बनाने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजीत कुमार किस गेंग से उसका बैंक रोक करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की जो मेन थीम थी बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर स्टॉक मार्केट के के फ्रॉड ऊपर वो काफी बढ़िया थी डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन सभी मोमेंट के ऊपर लाइट की हुई थी साथ ही कुमार को जिस तरह तो से फिल्म में दिखाया हुआ था काफी था काफ़ी बढ़िया उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समोती रकानी मंजू वरियर जैसे दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते जिन्होंने जिन्होंने भी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजीत कुमार जो अपने किरदार में काफी शाइन करते नजर आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन से प्रेजेंस उनका मेनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एविल लाफ है वो आपको जरूर पसंद आएगा हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीजें कुछ थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजीएम जो गिब्रान ने दिया हुआ था वो डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नजर नहीं आता सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी एक डिसेंट वे वे में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया वो बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकते है जहाँ पे हाफ फिल्म कह सकते हैं क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफी इंप्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नजर आती है ओवरऑल अजीत कास्वेग उनकी परफॉर्मेंस और उनके अगर आप फेम हो तो इस फिल्म को जरूर इंजॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप जरूर देख सकते हो

कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिस के साथ साथ ये फिल्म अः वीरा रेड्डी और वोल्टर विलियम फिल्म के साथ क्लेस रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से मैनेज किया 80 से करोड़ में लेवल पे पे गया था तमिलनाडु के लिए रेड जैंट मूवीज ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स अच्छे खासे प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका

जहाँ पे तेलुगु डब्ड वर्जन था वहीं पे तमिल ओरिजिनल वर्जन था उसके बाद में जब ओ पे रिलीज करवाया गया फिल्म को तब तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन में रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी थोनी हुई नाम दिया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो यानी कि राइटर डायरेक्टर के ऊपर तो वो एच विनोद ने काम किया हुआ है प्रोडक्शन में बोनी कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अपने प्रोडक्शन कंपनी बेहव्यू प्रोजेक्ट एलएलपी और जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था तमिल लैंग्वेज में फिल्म को रेड जैंट मूवीज के द्वारा एक बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म का बजट करीबन दो सौ करोड़ के आसपास का था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म का रन टाइम करीबन दो घंटे और छब्बीस मिनट का बताया गया था वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह ने की हुई है एडिटिंग विजय बेलू ने की हुई थी म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है सॉन्ग है वो दोनों गिब्रान ने कंपोज किया हुआ था अब हम कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो अजित कुमार ने इस फिल्म में डार्क डेविल उर्फ माइकल जैक्सन का रोल प्ले किया हुआ है मंजू वॉरियर आपको कनमनी के रोल में देखने को मिलेगी समोथी रकानी ने दयालान का रोल प्ले किया हुआ है जो पुलिस कमिश्नर है ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वहीं पे जोन कोके अजय कुमार को एसीपी रामचंद्रन का रोल दिया गया था वीरा ने इस फिल्म में राधा का रोल प्ले किया हुआ है जी एम सुन्दर ने इस फिल्म में मुथाला गन का रोल प्ले किया हुआ है प्रेम कुमार को प्रेम का रोल दिया गया था दर्शन ने कविन का रोल प्ले किया हुआ था महानंदी ने शंकर का रोल प्ले किया

फिल्म में वर्षा का रोल प्ले किया हुआ है सिंह ने सुनील दत्ता का रोल प्ले किया हुआ था आमिर ने इस फिल्म में जीजो का रोल प्ले किया हुआ था पवनी रेड्डी को अचारा का रोल दिया गया था सी बी भुवन चंद्रन को रवि का रोल दिया गया था ममचारी ने इस फिल्म में चैनल हेड का रोल प्ले किया हुआ है नलिकांत ने इस फिल्म में कस्टमर का रोल प्ले किया हुआ था डांसर रमेश को इस फिल्म में डांसर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो वाली मई के बाद साहठवी फिल्म एस विनोद के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीजें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था ए के सिक्सटी प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहां पे चेन्नई माउंट रोड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के साथ वही टेक्निकल टीम जो एच विनोद के साथ पहले ही काम करती आ रही तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असुरन के बाद मंजू मंजूर को इस फिल्म को मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च दो में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में चीजें डिले हुई और ग्यारह अप्रैल दो एस खुजराज जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो वाली मई के बाद भी फिल्म एस विनोद के नीचे बनने वाली है बोनी कपूर भी फिर से एक बार प्रोड्यूस करेंगे तो ये सभी चीज़ें अनाउंस पहले ही करवा दी गई थी जहां पे बताया गया था कोविड की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो रही है अदरवाइज ये फिल्म पहले ही आने वाली थी लेकिन उसके बाद में कोविड का जैसे एक थोड़ा बहुत मामला सेटल हुआ उसके बाद में 15 फरवरी 2022 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था एके के सिक्सटी वन प्रोडक्शन के साथ तब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसी टाइम के वक्त उसके बाद में फिल्म की शूटिंग के लोकेशन फिक्स किए गए थे जहाँ पे चेन्नई माउंट ऑड में इस फिल्म को एक बड़ा सेट क्रिएट करते हुए शूट किया हुआ था रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में फिल्म को एक बड़े सेट के साथ शूट किया हुआ था फिर उसके बाद में टेक्निकल टीम के से वही टेक्निकल टीम जो एच विनोद सिंह के साथ पहले ही काम करती आ रहे थे तो उन्होंने उनके साथ मिलते हुए इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया हुआ था फिल्म की कास्टिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में की गई थी असुरन के बाद मंजू वरियर को इस फिल्म को मिला मिलने में बहुत आसानी मिली थी क्योंकि असुरन के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म थी उसका परफॉर्मेंस देखते हुए ये फिल्म उनको दी गई थी इसके अलावा फिल्म की शूटिंग को मिड मार्च 2022 में स्टार्ट करने वाले थे लेकिन बाद में ये चीजें डिले हुई और 11 अप्रैल 2022 को हैदराबाद से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे अजित कुमार के सिवाय कुछ ऐसे सिक्वेंस थे उसको शूट किया गया था उसके बाद में वो 22 अप्रैल को सेट ज्वाइन किया हुआ था जित कुमार ने और उनकी शूटिंग करीबन वहाँ पे 36 दिन तक चली थी उसके बाद में अलग अलग लोकेशंस में जैसे कि वंदरलूर चेन्नई बैंकॉक ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से फाइनल एडिट को सेंसर करवाया गया था इसकी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करते तो गिब्रान ने बैकग्राउंड सॉन्ग्स कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल तीन गाने जहाँ पे 2022 में रिकॉर्ड किए गए थे जी म्यूजिक साउथ के पास इस फिल्म के राइट्स थे गानों के पहला गाना था चिल्ला चिल्ला उसके लिरिक्स वैसाख ने लिखे हुए थे सिंगर अनिरुद्ध रविचंद्र वैसाख और गिब्रान थे काशिथान का डबू लादा करके जो गाना था उसको वैसाख ने लिखा हुआ था वहीं पे वैसाख मंजूर और गिब्रान ने गाया हुआ था गैंगस्टा करके जो गाना था उसको विवेक और साबिर ने लिखा हुआ था

बैंक है विशाखापट्टनम में या तो फिर चेन्नई ऐसे सभी ड़, 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 ड़ वर्जन में अलग-अलग नाम दिया हुआ है तो वहां पे आ, मनी के लूटने की बात चलती है तो एक, एक प्लान क्रिएट किया जाता है जहाँ पे डार्क डेविलियन के अजीत कुमार इस बैंक को लूटने के लिए आया हुआ रहता है धीरे धीरे गुंडों को कस्टमर के सामने एम्प्लॉय इन सभी को वो स्ट्रेजिज बनाने लगता है अब ये कौन है और जो दूसरी गैंग थी वो कौन थी अजित कुमार किस गैंग से उसका बैंक रोक करने का प्लान क्यों है वो किसको मदद कर रहा है यही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई फिल्म की जो मेन थीम थी, थी। डायरेक्टर ने बढ़िया के थी। वो काफी बढ़िया तरीके से उनका अप्रोच भी अच्छा था फिल्म में वो अच्छी खासी हंसी क्रिएट करने में कामयाब थे उन्होंने एंटरटेनिंग एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जो फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते इसके अलावा समुथी रकानी मंजू वरियर जैसे दूसरे सपोर्टिंग इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी अपना काम दिखाया हुआ है लेकिन अजीत कुमार जो अपने किरदार में काफ़ी शाइन करते नज़र आते उनका एक्सीलेंट स्क्रीन से प्रेजेंस उनका मेनरिज्म आपको पूरी फिल्म में अच्छी तरह से बनाए रखता है उनका जो एविल लाफ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा हाँ फिल्म का रन टाइम थोड़ा बड़ा था स्क्रीन प्ले थोड़ा बेटर किया जा सकता था चीज़ें को थोड़ी सुधारी जा सकती थी हाँ पर लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म अच्छी थी बीजीएम जो गिब्रान ने दिया हुआ था वो डिसेंट था सॉन्ग में उतना कुछ इम्पेक्टफुल नजर नहीं आता सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी एक डिसेंट वे वे में, में कह सकते हैं वहीं पे प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बढ़िया थी इसके अलावा हिंदी डबिंग फिल्म की काफी बढ़िया की गई है डायरेक्टर एच विनोद ने इस फिल्म में डिसेंट काम किया हुआ है ठीक ठाक काम किया वो बेटर कर सकते थे उनके पोटेंशियल के हिसाब से ओवरऑल ये एक टाइम पास के तौर पर देखी जाने वाली अच्छी खासी फिल्म बोल सकती है जहाँ पे हाफ पेक हाइस्ट थ्रिलर फिल्म कह सकते हो क्योंकि कुछ पार्ट में फिल्म काफ़ी इंप्रेसिव है वहीं पे कुछ जगह पे फिल्म ढीली भी नज़र आती है ओवरऑल अजीत का स्वेग उनकी परफॉर्मेंस और उनके अगर आप फेम हो तो इस फिल्म को ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो तो इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हो वो फिल्म रिलीज के ऊपर अब हम बातचीत कर लेते तो वो फिल्म को काफी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी 11 जनवरी 2023 को जहां पे 200 करोड़ के बजट के किया गया था, जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म को उस रेटिंग के सामने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन कलेक्शन मिला था क्योंकि ये फिल्म फिल्म के साथ क्लेस कर रही थी तमिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर और तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर वारिसों के साथ साथ ये फिल्म अः वीरा और वोल्टर विलियर फिल्म के साथ क्लेश कर रही थी लेकिन पोंगल का मौका था संक्रांति का मौका जिस वजह से इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ था इस फिल्म के जो राइट्स जो प्री रिलीज बिजनेस वो फिल्म ने काफी बढ़िया किया हुआ था फिल्म के राइट्स को 80 से 90 करोड़ में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बेचा गया था तमिलनाडु के लिए रेड जेंट मूवीज ने राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे रीजन में भी फिल्म के राइट्स अच्छे खासी प्राइस में बेचे गए थे लेकिन उसके सामने जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली जिस तरह से फिल्म ने एक बॉक्स ऑफिस पे धमाका

फिल्म आपको फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर विध इंग्लिश सब टाइटल विध तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ये फिल्मी के ऊपर ऑफिशियल इंजॉय करना चाहते हो तो वो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल वो आप का टीवी के कर वहीं पे हिंदी वर्जन सैटेलाइट वर्जन आपने कहा जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म के ऊपर फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिस हुई है इसके अलावा इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक एनालिसिस कर दिए और फिल्म से जुड़े सभी फैक्ट्स भी शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू